वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो भी लास्ट क्लासेस हुई थी, दो या तीन क्लासेस, उन क्लासेस के अंदर हमने बिजनेस स्टडीज से हमारा न्यू टॉपिक शुरू किया था, हमारा नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमने देखा था कि एक्चुअल में बिजनेस के अंदर फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है या बिजनेस को कितने तरीके के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने देखा था बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल और करंट कैपिटल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने देखा था कि बिजनेस को कहाँ कहाँ से या कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जहाँ से बिजनेस को पैसा मिल सकता है, उन सोर्सेज को हमने कैटेगरी वाइज देखा था, तो उन्हें हमने डिवाइड किया था तीन कैटेगरीज के अंदर, जहाँ हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जो बिजनेस है उसे तीन तरीके से पैसा मिल सकता है, ओनरशिप के बेसिस पे दो तरीके से हो सकता है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, और हमने जो हमारा जनरेशन था उसके बेसिस पे देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर है? उसके बाद हमने हमारा पहला सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था जिसका नाम था रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के अंदर हमने जाना था कि जब बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स या अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करता है और उसका कुछ परसेंट बचा के दोबारा उसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और हमने देखा था कि ये पार्ट था इंटरनल सोर्सेज का, जिसमें बिजनेस खुद का पैसा खुद लगा रहा है। आज उन सोर्सेज के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम एक नए सोर्स को डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस के अंदर, जिसका नाम है ट्रेड क्रेडिट। क्या नाम है? ट्रेड क्रेडिट। देखो, इसके नाम से समझ आ रहा होगा यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ खरीदा और बेचा जा रहा है, किस पे? उधार पे। यानी हम लोग हमारी अक्सर लाइफ के अंदर ट्रेड क्रेडिट बहुत बार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी किराना स्टोर से, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ सामान खरीद के ला रहे हो और डिपार्टमेंटल स्टोर वाला आपका पुराना जानकार है, तो आप उसे कहते हो कि भैया, मैं दो दिन बाद आपको पैसे दे जाऊंगा, आप आज मुझे सामान दे दीजिए, तो वो आपको सामान दे देता है और दो दिन बाद आप उसको पैसा दे देते हो। तो एक्चुअल में ये भी ट्रेड क्रेडिट है। मगर यहाँ जो हमें ट्रेड क्रेडिट समझना है, वो हमें समझना है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजेक्शन कर रहा है किस पे? क्रेडिट के ऊपर। तो वो है यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट का। यहाँ पे कस्टमर का जिक्र नहीं होगा, हमें जो भी बात करनी हो बात किसकी करनी है? बिजनेस और बिजनेस की ही बात करनी है। कहने का मतलब है जो ट्रांजेक्शन होने वाला है क्रेडिट पे, वो दो बिजनेस यूनिट्स के बीच में ही होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी एक मार्कर बनाती है, मार्कर बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो हम किसी दूसरे ट्रेडर से खरीदते हैं, तो हमारी कंपनी ने मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंपनी से परचेज किया है, वो भी किस पे? क्रेडिट पे। तो ये ट्रांजेक्शन, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रेड क्रेडिट। हमने पैसा इकट्ठा तो नहीं किया, मगर हमने हमारी ज़रूरत के लिए सामान इकट्ठा किया और कहीं ना कहीं हम वो पैसा उसको आने वाले दिनों के अंदर दोबारा चुका देंगे। क्लियर है? तो देखिए, ट्रेड क्रेडिट के अंदर क्या लिखा हुआ है। ट्रेड क्रेडिट में लिखा है कि ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा क्रेडिट है जो एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर को देता है, किस पे? परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। ट्रेड क्रेडिट ट्रेडर्स को एक ऐसी फैसिलिटी दे रहा है जिसमें वो कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी परचेजिंग या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं बिना उसका इमीडिएटली पेमेंट किए। वो बाद में 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 35 डेज, 40 डेज के अंदर उसका पैसा चुका सकते हैं, मगर अभी वो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे वो परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ बायर ऑफ अ गुड एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल। और ये जो बायर है जिसने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, इनकी एंट्री, इनको कहाँ मेंटेन किया जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर और अकाउंट पेबल के अंदर किया जाएगा, जिन्हें भविष्य में उन्हें पे करना है। क्लियर? ट्रेड क्रेडिट कॉमनली यूज बाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ध्यान दीजिए, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का बात हो रही है, मतलब कि अगर आपने ट्रेड क्रेडिट किया है तो उसका पैसा आपको कम से कम समय लेके आपको चुकाना पड़ेगा वापस, ये शॉर्ट टर्म का ही पार्ट है। इट इज़ ग्रांटेड टू दोज कस्टमर्स हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। ट्रेड क्रेडिट की जो फैसिलिटी है मार्केट में, उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनकी मार्केट के अंदर पहले से अच्छी गुडविल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम से कुछ पैसे लिए उधार, ठीक है, और उसे कहा कि मैं 10 डेज बाद उसको पैसा रिटर्न कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, 10 डेज हो गए, उसने पैसा रिटर्न नहीं किया, दोबारा राम आ गया और शाम से अब वो 500 रुपीज़ लेके चल गया। उसने कहा कि मैं आपको पहले के 1000 और अभी के 500 1500 मिला के आपको 5 दिन बाद रिटर्न कर दूंगा। अभी भी राम ने रिटर्न नहीं किए। अब राम दोबारा शाम के बाद पैसे लेने आ गया,
तो क्या लगता है कि शाम उसे पैसे देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा, क्योंकि शाम को पता है इसने पहले का पैसा बकाया था जो नहीं चुकाया है, तो नया पैसा तो इसे लोन पे देना ही नहीं। इसका मतलब उसकी गुडविल जो है राम की, वो क्या है, ख़राब है। तो कहने का मतलब है ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी उन्हीं कस्टमर्स को, उन्हीं ग्राहकों को दी जाएगी जो कहीं ना कहीं क्या स्टैंड करते हैं, अच्छी गुडविल के साथ मार्केट के अंदर स्टैंड करते हैं। क्लियर है? द वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड डिपेंड्स ऑन फैक्टर सच द रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द सेलर, वॉल्यूम ऑफ परचेज। और जो ड्यूरेशन है क्रेडिट के ऊपर काम करने का, ट्रेड क्रेडिट करने का जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो एक बिजनेस की रेपुटेशन, उसकी परचेजिंग के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। और उसने परचेज कितना किया है पिछले ट्रांजेक्शन्स पे, उस पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? और डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट में वरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। हर इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाओ तो टर्म जो है ट्रेड क्रेडिट की वो बदलती रहती है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अ फर्म में ऑल्सो डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। और अलग अलग लोगों के साथ फर्म का अलग अलग क्रेडिट क्रेटिंग जैसा होता है, मतलब कि जैसा वो चाहते हैं उन्हें उस तरीके से सब कुछ दिया जाता है। मतलब हर फर्म अपने अपने हिसाब से ट्रेड क्रेडिट करती है। भाई हो सकता है मैं किसी को 500 रुपये तक का लोन पे दे सकता हूँ, सामान उधार दे सकता हूँ, हो सकता है तुम 1000 रुपये तक का दे सकते हो। तो अलग अलग सबका अपना अपना पैमाना है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है, जब एक बिजनेस फर्म किसी दूसरी बिजनेस फर्म से उधार में कुछ ना कुछ परचेज कर लेती है और ये कहती है कि फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में उनका पेमेंट वो वापस कर देंगे, तो वो ट्रेड क्रेडिट है और एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आई होप आप सभी को ट्रेड क्रेडिट का मतलब समझ आया होगा। अब देखिए, जब हम ट्रेड क्रेडिट का मतलब समझ चुके हैं तो अब हमें समझना होगा कि ट्रेड क्रेडिट करने से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब ट्रेड क्रेडिट के मेरिट्स क्या हैं। तो ट्रेड क्रेडिट एक कन्वीनियंट और एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है। भाई सीधी सी बात है, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि एक सुविधाजनक, एक आसान तरीका है और कंटिन्यूस सोर्स है किसका, फंड का, जिसके थ्रू लगातार बिजनेस को पैसा मिलता रहता है। तो ट्रेड क्रेडिट इज कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखा है, ट्रेड क्रेडिट में बी रीडली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। और कहीं ना कहीं क्या है, जो क्रेडिट रेटिंग है ना आपकी, या फिर जो आप ट्रेड क्रेडिट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं सेलर को जो क्या है पता होती है, और उसके हिसाब से वो उसको क्या दे देता है, पैसा दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि यार अगर मैं आज किसी को सामान उधार पे दूंगा तो मुझे पता है कि कौन बंदा है वो जो मेरा पैसा चुका सकता है और कौन वो बंदा है जो मेरा पैसा चुका नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं आसानी से काम हो जाता है। फालतू में इसमें ज़्यादा आपको, वो कहते हैं ना, बैंक के पास जाओगे तो वेरिफिकेशन होगा, लोन के लिए अप्लाई करना होगा, ये जो भी चीज़ें वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को बढ़ाने के लिए भी आप ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी का सहारा ले सकते हैं। आप अपना सामान लोगों को उधार पे बेचिए, आपकी सेल अपने आप ही बढ़ जाएगी, और ट्रेड क्रेडिट के थ्रू आप देंगे तो वो, हो सकता है आप किसी को उधार देंगे तो वो ज़्यादा सामान खरीद के ले जाएगा, 10 दिन बाद आपको पैसा वो लौटा देगा। क्लियर है? फोर्थ नंबर पे जो मेरिट है वो कहता है कि इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स ऑफ वैल्यू इन द नियर फ्यूचर, इट मे यूज ट्रेड क्रेडिट टू फाइनेंस द सेम। कहने का मतलब है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाना है और कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर जो उसकी सेल्स वॉल्यूम है जिसको बढ़ाना चाहता है फ्यूचर के अंदर, वो ये चाहता है उसकी एक्सेप्टेशन से कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में ज़्यादा सेल करूँगा, तो वो ट्रेड क्रेडिट के थ्रू ज़्यादा सामान ले सकता है और कहीं ना कहीं उस सामान को बेच के पैसा वापस चुका सकता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड। और जब आप किसी को ट्रेड क्रेडिट कर रहे हो, किसी को उधार पे माल दे रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ मेरिट हैं जो दोनों के लिए दिए हुए हैं, जो ट्रेड क्रेडिट पे माल उधार पे दे रहा है उसके लिए भी दिए हुए हैं, जो उधार ले रहा है उसके लिए भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या फ़ायदे होंगे। अब देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं, तो साथ में कुछ ना कुछ इनके क्या होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। अब डीमेरिट्स की जब बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अवेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी मे इंड्यूस अ फर्म टू इंक्लूड इट ओवर ट्रेडिंग विच मे एड टू द रिस्क ऑफ द फर्म। कहीं ना कहीं क्या है, जो आपको ईजिली उधार पे माल मिल रहा है जिसके थ्रू आप आगे किसी और को वो माल बेचोगे, तो कंपनियां के ट्रेड क्रेडिट पे माल तो ले लेती है, मगर कभी ना कभी भविष्य में क्या हो जाता है, आप बिजनेस अभी, या बिजनेस तो रिस्क है,
माल बिके भी और नहीं भी बिके, अगर वो माल आपने उधार पे लिया और वो बिका नहीं है तो अब आप उसकी सेल कैसे करोगे, वो सेल नहीं होगा तो आप उसका पैसा कैसे चुकाओगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए एक लिमिटेशन का काम करेगा। क्लियर है? ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के थ्रू क्या है, आप लिमिटेड अमाउंट, जैसे आप करोड़ों का माल उधार में नहीं दे सकते या लाखों का माल आप उधार में दे सकते, लिमिटेड अमाउंट होता है उस तक ही आप ट्रेड क्रेडिट कर सकते हो। क्लियर है? इट इज़ जर्नली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्स ऑफ रेजिंग मनी। और कहीं देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है किसके कंपेरिजन में, दूसरे तरीकों से मनी को जनरेट करने के कंपेरिजन के अंदर। क्लियर है? आई होप आप सभी को ट्रेड क्रेडिट समझ आया होगा। सबसे पहले जो हमने ट्रेड क्रेडिट में देखा है वो है हमारा ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है ट्रेड क्रेडिट्स के मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स के बाद हमने डिस्कस किए हैं कि उसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो बस आपको ओवरऑल जो शॉर्ट में याद रखना है वो इतना ही याद रखना है कि ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ परचेज कर रही है, किस पे, क्रेडिट पे, और किसी को सेल कर रही है, उसका पैसा आने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को लौटा रही है, मगर वो पैसा चुकाने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाली बात लगती है, यानी कम से कम ही उसके ऊपर समय दिया जाता है। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को जो इससे पहले हमने रिटेन अर्निंग देखा था वो समझ आया होगा और ट्रेड क्रेडिट दोनों ही आपको समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स।